में पोषण, पोषण की आवश्यकता हमें पड़ती क्यों है? हमें अपने उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए पोषण की आवश्यकता पड़ती है। फिर चाहे वो मनुष्य हो चाहे जीव जंतु, सभी को शारीरिक विकास के लिए, ऊर्जा के लिए पोषण और अच्छे भोजन की आवश्यकता पड़ती है। पोषण के दो मुख्य भाग हैं, पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन। अंतर्ग्रहण का मतलब है भोजन का शरीर के अंदर प्रवेश कराना। मनुष्य मुख के द्वारा दांतों से काटकर भोजन अपने शरीर में डालता है, वैसे ही छोटे छोटे जीव जंतु जैसे कि मधुमक्खी, उनके मुख में आगे लंबी नलिका बनी होती है जिससे वो फलों के रस को, फूलों के रस को चूसती है और अपने शरीर में डालती है। ऐसे ही टिड्डे, जिनके आगे पैने मुखांग होते हैं, और पक्षी या चिड़िया जो चोंच से भोजन करते हैं। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो अपने विभिन्न अंगों के द्वारा अंतर्ग्रहण करते हैं और भोजन को शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया शुरू होती है उसके मुख से। मनुष्य जब भोजन खाता है तो दांतों से चबकर वह शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं, जो चार वर्गों में विभाजित है। पहला है कृतंक, जिसे इंसीजर्स भी कहते हैं। ये काटने का कार्य करता है। जब हम भोजन काटते हैं तो कृतंक हमारे काम आता है। रंध्रक, जो कि भोजन को फाड़ने का कार्य करता है या चीरने का काम करता है, जो हमारे दोनों तरफ टुकीले होते हैं। अग्रचर्वणक, ये पीसने के लिए और चबाने का कार्य करते हैं, जिन्हें हम चौभर भी कहते हैं। और इसके पीछे बड़ी बड़ी कुछ मोटी चौभर होती हैं, जिन्हें चवर्णक कहते हैं, और इसका कार्य पीसने और चबाने का है। हमारे भोजन को पचाने में हमारी जीभ भी सहायता करती है, जो टाइलिन नाम का एंजाइम निकालती है और ये कार्बोहाइड्रेट को मीठे ग्लूकोज में बदल देती है। इसीलिए हमें रोटी जब हम खाते हैं तो स्वाद में मीठी लगती है, यानी कि भोजन का पाचन हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। अब बारी है मनुष्य के पाचन तंत्र की। भोजन मुख से पचकर कार्बोहाइड्रेट जब बदल जाता है ग्लूकोज में, तो वो भोजन आहार नाल से होता हुआ नीचे आता है अमाशय के अंदर, और अमाशय में पाए जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जी हाँ, हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। यहाँ पर पाचन प्रक्रिया होती है, और इसके अलावा कुछ एंजाइम्स यानी कि पेप्सिन निकलती हैं जो प्रोटीन का पाचन करती हैं। अब भोजन पचने के बाद आगे बढ़ता है और अमाशय से छोटी आंत में पहुँचता है। यहाँ पर उसका साथ देता है पित्ताशय और अग्नाशय, और इन दोनों से निकलने वाला रस भोजन के पाचन में सहायक होता है। इसके बाद प्रोटीन और वसा, वो दोनों ही पित्ताशय और अग्नाशय से निकलने वाले रस से पच जाते हैं और पाचन क्रिया इनकी होने लगती है। अब छोटी आंत में भोजन पचने के बाद भोजन आगे पहुंचता है, और छोटी आंत के अंदर छोटे छोटे उंगली नुमा उभार होते हैं, जिन्हें विलाई कहते हैं। ये क्या करते हैं, इस बचे हुए पोषक तत्व को अवशोषित यानी कि सोख लेते हैं, क्योंकि अब यही हमारे शरीर को ऊर्जा देंगे और विकास में कार्य करेंगे। इसे अवशोषण कहते हैं। फिर इसके बाद जो भोजन अवशोषित नहीं होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो बड़ी आंत से होता हुआ बाहर निकल जाता है, जिसे बहिक्षेपण कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं पूरी पाचन प्रक्रिया को। अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन का शरीर के अंदर प्रवेश या ग्रहण करना। फिर आता है पाचन यानी कि भोजन का पचना।
अवशोषण यानी कि पचे हुए भोजन में से पोषक तत्वों का शरीर में सोखना। स्वांगीकरण, जो पोषक तत्व अवशोषित हो जाते हैं उनका उपयोग कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि के लिए किया जाना, इसे स्वांगीकरण कहते हैं। और जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे शरीर से बाहर निकालना या अंतिम क्रिया है जिसे बहिक्षेपण कहते हैं। आप सबने गाय को ध्यान से देखा होगा, देखा है ना, वह क्या करती है, ढेर सारा भोजन चारा एक बार में खा लेती है और फिर धीरे धीरे जुगाली करती है, यानी उसका मुंह चलता रहता है। ऐसे जीव जो लगातार मुंह चलाते रहते हैं और भोजन के पाचन का कार्य करते हैं उन्हें रूमिनेंट कहते हैं, यानी कि गाय एक रूमिनेंट है। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनके शरीर के अंदर एक बड़ी सी संरचना होती है जिसे सीकम कहते हैं, यह मनुष्यों में नहीं होता, और यही सीकम चारे को पचाने में मदद करता है, यानी कि सेलुलोज। सेलुलोज का पाचन ऐसे जानवरों में इसीलिए आसानी से हो जाता है क्योंकि इनके शरीर के अंदर सीकम एक संरचना होती है जो सेलुलोज को पचाने का कार्य करती है। और जब यह पाचन क्रिया होती है तब गाय जुगाली करती है और लगता है कि वह बार बार मुंह चला रही है। सूक्ष्म जीव जैसे कि अमीबा और हाइड्रा, ये कैसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं? जी हाँ, ये भी भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे कि अमीबा, ये अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है पादाप के द्वारा, जैसे कि चित्र में दिख रहा है। जैसे ही भोजन के पास आता है ये अपना आकार बदलता है और भोजन को धीरे धीरे ग्रहण करने लगता है और अंदर ले लेता है। वैसे ही हाइड्रा, इसमें ऊपर की ओर स्पर्शक बने होते हैं तंतु जैसे आकार के, जैसे ही भोजन के पास आता है वह उसे कस के पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे वह भोजन अवशोषित हो जाता है। तो फिर यह ऐसी प्रक्रिया है पोषण जो कि सूक्ष्म जीव से लेकर एक बहुकोशिकीय जीव तक सभी में होती है और भोजन सभी के लिए आवश्यक है। संतुलित आहार खाइए, स्वस्थ रहिए।